जावा प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं पैकेज का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था पैकेज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक सिंपल से एग्जांपल से पैकेज को क्रिएट करके भी देखा था और समझा था। अगर आप लोगों ने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उस पार्ट को देखें, उसके बाद ही इसको समझें। उसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आज का हमारा टास्क क्या है। पैकेज को क्रिएट करना तो हम सीख लिए थे, हमको समझना है कि पैकेज को एक्सेस कैसे करेंगे। किसी पैकेज के इनसाइड जो क्लासेस हैं या फिर सिंगल क्लास है, हम उसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, हमको इस लेक्चर में ये समझना है। हम इसको समझेंगे कि क्या क्या तरीका है एक्सेस करने का, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से पूरा क्लियर करेंगे। तो जो पहला तरीका वो ये है कि हम इंपोर्ट कीवर्ड, ये जो इंपोर्ट है ये एक कीवर्ड है, हम उसका यूज करें। उसके बाद पैकेज का नाम जो भी हम रखेंगे, फिर डॉट लगा के उस क्लास का नाम जिस क्लास को हम एक्सेस करना चाहते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करें, पैकेज के नाम के साथ साथ डॉट लगाकर स्ट्रीम यूज करें। इससे क्या होगा कि हम पैकेज के इनसाइड जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब हमारे एक पैकेज में कई क्लासेस हो सकती हैं, तो हम स्ट्रीम लगाने के बाद उस पैकेज में जितनी भी क्लासेस हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये जो पहला हमारा पॉइंट है, इसमें हम पर्टिकुलर उसी क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं या उसी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास का नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम लगाने के बाद क्या होगा कि हम उस पैकेज के इनसाइड जितनी भी क्लासेस हैं सभी को यूज कर सकते हैं। हम इसको देखेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। और जो तीसरा तरीका ये है कि हम फुली क्वालिफाइड क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। हम तीनों को देखते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक जावा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं जहां पे हमको प्रोग्राम को बनाना है। ये हमने उस फोल्डर को ओपन कर लिया। हमारा टास्क क्या है वो हम समझते हैं। हमको एक पैकेज बनाना है और उसके इनसाइड एक क्लास डिक्लेयर करनी है, फिर हमको उस पैकेज को एक्सेस करना है दूसरे जावा प्रोग्राम में, या फिर ये कहें कि उस क्लास को हमको दूसरे जावा प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम boy.java। सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट करते हैं पैकेज कीवर्ड का यूज करके। हम वो नाम देंगे पैकेज का जिसको हम रखना चाहते हैं, पैक वन। सपोज हम पैक वन नाम से क्रिएट करना चाहते हैं, हमने वो दे दिया। फिर क्लास डिक्लेयर करेंगे, क्लास का नाम हमको रखना है बॉय। इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस वी विल राइट अ मेथड वॉइड शो एंड आफ्टर दैट विल ओपन एंड क्लोज द कर्ली ब्रेसेस। And here, एक हम मैसेज देंगे, print inside the parenthesis and inside the double quote we will write। हम कुछ भी मैथड मैसेज दे सकते हैं। हमने क्या दे दिया, नेम ऑफ बॉय इज ABC, ओके? अच्छा, अब याद क्या रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। हम जिस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं दूसरे प्रोग्राम में, उसको हम हमेशा पब्लिक बनाएंगे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। अगर हम पब्लिक नहीं एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट रहेगा, और डिफॉल्ट है तो मतलब हम इनसाइड द पैकेज ही उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बट वी कांट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। सो वी नीड टू क्रिएट दिस क्लास
विद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, ये तो हमारा हो गया क्लास के लिए। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि एक पैकेज के इनसाइड कई क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन हम जो फाइल का नाम रखेंगे उसी क्लास के नाम से रखेंगे जो पब्लिक रहेगी। ठीक है, अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो एक बार बैक जाकर के समझ लीजिए। और इस मेथड को हम बनाएंगे पब्लिक, क्लास को भी और मेथड को भी, जिसको इंप्लीमेंट, जिसको एक्सेस करना है दूसरे जावा प्रोग्राम में। ठीक है, इसको भी हमने बना दिया। ओके, लेट्स सेव दिस प्रोग्राम, कंट्रोल एस। नाउ ये तो हो गया। अब दूसरा एक और हम बनाते हैं फोल्डर, एक मिनट। हाँ, दूसरा हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, सॉरी फाइल बना लेते हैं। इसको हम बनाते हैं, इस फाइल को स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट डॉट जावा। इसमें इंप्लीमेंट करेंगे हम, मतलब एक्सेस करेंगे बॉय जो पहले बनाया था उसको। तो हम सबसे पहले जो हमारा पहला तरीका था एक, क्या था वो, इंपोर्ट पैकेज विद क्लास नेम, विद डॉट क्लास नेम। ठीक है, हम सबसे पहले उसको करते हैं। ओके, इसको भी हम थोड़ा खोल के रखते हैं ताकि हमको समझ में आता रहे। हम अभी स्टूडेंट में कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट डॉट जावा। तो इसको सबसे पहला तरीका हमारा क्या था, इंपोर्ट कीवर्ड के साथ पैकेज का नाम, पैक वन डॉट क्लास का नाम, उस क्लास को जिसको एक्सेस करना है। तो क्या था क्लास का नाम, बॉय। ओके, सेमी कॉलन। उसके बाद हम फिर से क्लास डिक्लेयर करेंगे, क्लास स्टूडेंट, inside the parenthesis we will write main method, public static void to main, and inside the parenthesis string उस मेथड को हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं सबसे पहले, जो बॉय क्लास के इनसाइड है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऑब्जेक्ट सबसे पहले इस बॉय क्लास के लिए क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम उस मेथड को यूज कर सकें। तो हमको जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का फंडा है वो क्लियर है, opg with new keyboard। okay, new semicolon, and जो ऑब्जेक्ट का नाम है opg dot so, ये हमारी मेथड हो गई। हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं बॉय डॉट जावा। हम कंपाइल करेंगे तो जो डॉट क्लास फाइल बनेगी वो पैक वन डायरेक्टरी के इनसाइड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमको जो हो वो दिखता रहे। हम डेस्कटॉप पे जावा प्रोग्राम के अंदर रखे हुए हैं फाइल को, इसलिए सबसे पहले इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, जावा प्रोग्राम। ओके, हमारा सिंटैक्स जो है कंपाइल करने का, पिछले जो हमारा तरीका था यहाँ पे कंपाइल करने का वो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, जावा सी डी डॉट स्पेस
फाइल का नाम। यहाँ पे एक पैकेज बनना चाहिए, पैक वन, ठीक है। ये पैक वन बन गया, इसके इनसाइड एक बॉय डॉट क्लास फाइल बन गई। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। अब हम स्टूडेंट डॉट जावा को कंपाइल करते हैं। सो यहाँ पे हमको पैकेज क्रिएट नहीं करना है, हमको तो सिर्फ सिंपली कंपाइल करना है। तो हम लिख देंगे फाइल का नाम जावा सी, जो कंपाइलर है इसके साथ फाइल का नाम रख देंगे स्टूडेंट डॉट जावा। ओके, और हमको रन करना है इस प्रोग्राम को। तो हमको क्या आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट ये हमारा मैसेज आना चाहिए, ठीक है। हम इस क्लास को बॉय को एक्सेस किए हैं स्टूडेंट में, एक्सेस किए स्टूडेंट में, और विद मेथड शो, तो हमारा आउटपुट वो आना चाहिए। चलिए देखते हैं जावा स्टूडेंट। योर नेम ऑफ बॉय इज एबीसी। ओके, ये तो हमारा पहला तरीका था, ये तो हमारा पहला तरीका था कि हमने क्या किया, एक पैकेज बनाया और उसके इनसाइड एक क्लास बनाई बॉय के नाम से, और उसको जो एक्सेस करने का हमारा तरीका था वो हमने पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम विद इंपोर्ट कीवर्ड हमने इसको एक्सेस किया। अब दूसरा तरीका क्या है, पैकेज का नाम डॉट स्ट्रीम। ओके, इसको करके देखते हैं, इस तरीके से भी करके देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको पूरा डिलीट मार देते हैं। ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना हमको, क्योंकि हमको तो सिर्फ एक्सेस करने के तरीके को चेंज करना है ना। तो एक्सेस तो हम स्टूडेंट और जावा में एक्सेस कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ यहाँ पे ही चेंज करना है। तो हम यहीं पे चेंज करते हैं, बॉय को हटा करके स्ट्रीम लगा देते हैं, ठीक है। स्ट्रीम लगा रहे हैं मतलब कि अभी तो एक ही हमारे पास क्लास है बॉय। अगर यहाँ पे बॉय के अलावा भी क्लासेस होती तो वो पूरे क्लासेस हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रीम का यूज करके। फिलहाल एग्जांपल के लिए समझने के लिए हम तो सिर्फ एक ही का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, लेट्स अगेन कंपाइल फर्स्ट बॉय डॉट जावा। इसको तो हमको नहीं माना था रिमूव, खैर कोई दिक्कत नहीं, हम इसको फिर से कर लेते हैं, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट डॉट जावा को, स्टूडेंट को कंपाइल कैसे, ठीक है। जावा से स्टूडेंट डॉट जावा, व्हाट हैपेंड नाउ, ओके। यहाँ पे हमको एक और पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा जिसके साइड हमको स्टूडेंट क्लास को रखना है। सपोज हमने रख लिया पैक टू के नाम से, ओके लेट्स। हमने कुछ चेंजेस नहीं करा है, बस एक और पैकेज क्रिएट कर दिया है स्टूडेंट की जो क्लास फाइल बनेगी स्टूडेंट और जावा की, उसको रखने के लिए। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा तरीका हमारा, कंपाइल इस तरीके से करेंगे डॉट स्पेस के बाद स्टूडेंट और जावा जो हमारे फाइल का नाम है। देखो यहाँ पे जो पैक टू के इनसाइड
स्टूडेंट की क्लास फाइल बनी है, तो हमको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और अभी हमको जब रन करना है तो पैक टू के साथ एक्सेस करना पड़ेगा स्टूडेंट की क्लास फाइल को, इसलिए हम यहाँ पे रन करेंगे पैक टू डॉट स्टूडेंट। ये हमने दूसरे तरीके से देखा, जो हमारा दूसरा तरीका था। नाउ लेट सी द थर्ड एंड लास्ट अगेन, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। तीसरा अच्छा तरीका क्या था, इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं हम। तीसरा तरीका था विथ फुली क्वालिफाइड नेम, मतलब क्लास नेम, विथ फुली क्वालिफाइड क्लास नेम। तो हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो हम इसमें चेंजेस करते हैं, उसको तो मैंने रिमूव मार दिया बैक टू को। हम यहाँ पे चेंज करते हैं और इस स्टेटमेंट को पूरे को हटा देते हैं। और यहाँ पे जो हम एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे कर देंगे पैक वन डॉट, क्योंकि अब हमारा जो है बॉय जो क्लास है वो पैक वन से एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट लगा के कर देंगे पैक वन डॉट, ठीक है, ये तरीका होगा हमारा। हम इसको सेव करते हैं और फटाफट इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। There is no warning, sorry, no error. The name of boys ABC. इस प्रकार से हमने तीनों तरीकों को देखा जो भी थे, ठीक है, कि एक क्लास नेम के साथ हमने इसको एक्सेस किया, फिर दूसरा स्ट्रीम के साथ इसको एक्सेस किया, तीसरा हम फुली क्वालिफाइड क्लास नेम के साथ एक्सेस किए। ये था हमारा तरीका। अगर इस वीडियो के ड्यूरेशन में कोई सा अगर आपको क्वेरी आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। और टास्क एक है आप लोगों के लिए, टास्क ये है कि एक पैकेज क्रिएट करना है, किसी भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करना है दूसरे जावा प्रोग्राम में। जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा सेम वैसे ही उसको करिए। अगर जो डाउट होता है फिर आप उसको कमेंट करिए, मुझे बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।